सात बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल। चले फास्ट बोलिए। हल्की हल्की बारिश। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, रात से बारिश हो रही है। तो हाँ, आज मैं तोलू मोलू और मम्मा आज खूब एंजॉय करेंगे और मैडक साहब टर 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 कर रहे हैं। कितना अच्छा मौसम होगा, बारिश हो जाने के बाद ना बिल्कुल मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो काउंट करूं मैं, 1 2 3 स्टार्ट। आज मेरे बेटे को आईडी कार्ड मिला। अरे वाह, क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। वाओ, और मेरे बेबी ना शांत क्यों है भाई, क्या हो गया मेरे बेबी को, क्या हुआ? आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ। वाह वाह, ये तो इतना बड़ा हो गया आईडी कार्ड आपका। गलत स्पेलिंग लिखी है। गलत स्पेलिंग किसकी? मेरी। दिखाओ। ए लिखा है, ARSH। ARUSH, डबल ए होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम चेंज कर देंगे नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल बुद्धि नहीं होती लोगों के पास तो। फिर क्या हुआ था? वो प्लेन आ रही थी ना, तो वो लोग थाना के नीचे से चले जाते थे, चाहे कोई भी हो, पैदल हो या बाइक वाले हो। ये मेरा फोटो खिंचाया ना, तो इतनी लाइक मजा आया। आरुष का स्पेलिंग गलत हो गया है। हम अपने घर में पीटीएम कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो में बनी रही। मैं टीचर बना हूँ, तो मेरे घर में 3 स्टूडेंट है। चलिए मैं आपको अपने स्टूडेंट से मिलाता हूँ। तो ये देखिए मेरे 3 स्टूडेंट विद्यार्थी। ये है पहला अमित पाठक ब्लॉग्स, और ये आरुष पाठक। नमस्कार। अरे पूनम के तिवारी। हेलो, नमस्ते सर। दोस्तों मैं इनका टैग चुनूंगा और मास्क दूंगा, पेरेंट्स को बुलाऊंगा और शिकायत करूंगा। कौन उछल कूद कर रहा था? सबसे पहले आज पाठक आइए। ओके मैम जी। रही मेरे नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, टॉपिक लीजिए। ये बॉय कौन पेड़ पर बैठा था? कौन पेड़ पर बैठा था? बंदर। वेरी नाइस टॉपी। कौन पेड़ पर बैठा था? पेड़ पे चिड़िया बैठी थी। चिड़िया पेड़ पे चिड़िया बैठी थी। क्या हुआ सर? गलत है। अरे पेड़ पे चिड़िया ही बैठती है भाई, हमारे घर में पेड़ पे चिड़िया बैठती है। अबे अबे मम्मी पापा को बुलाओ। ठीक है, नहीं बुला के लाता मैडम। पापा 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 कल आपके पास टाइम है, स्कूल में पीटीएम है, चलोगे आप कल मेरे साथ? चलो आप गाड़ी स्टार्ट करो। पापा स्कूल आके चलो, स्कूल जैसे मैडम से मिलना है। पापा उठा दे तो मेरे को। खाना ही खाते हैं। चलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पापा आए हैं, आज पीडीएम है ना सर। सर ये पढ़ता नहीं है, मन लगा के मैडम से आंसर दिया था कि कौन पेड़ पर बैठा था। ये देखो चिड़िया। पापा अपने आम के पेड़ पे चिड़िया बैठती है ना। Ah!
रिजल्ट अच्छा नहीं लाते हैं। पापा मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मैडम अच्छे से नहीं चेक की हैं। अच्छे से चेक की हैं। अच्छा ठीक है पापा, मैं पढ़ाई करूंगा लेकिन मेरे को चॉकलेट चाहिए। ठीक है बाय बाय, चल अब घर चलते हैं, आज गाड़ी चलाते हैं। बाय बाय मैडम, ठीक है पापा मैं ऐसे नंबर कभी नहीं देखने सकता। ठीक है पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है चलो बेटा पढ़ाई करो। ठीक है पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं 100 में से 100 नंबर ले आऊंगा। ठीक है अगर छूट कर दो ऐसा मानूंगा। ठीक है पापा। अरे कहना क्या चाहते हो आरुषि? देखिए इस चैप्टर में क्या है, जेंडर मीन्स कौन मेल है कौन फीमेल है, दो ही होते हैं मेल और फीमेल, बॉय गर्ल, किंग क्वीन, ब्रदर सिस्टर, एक होगा लड़की एक होगा लड़का। तो जो लड़की होती है फीमेल और जो लड़का होता है वो मेल। जैसे टाइगर क्या हो जाएगा मेल और टाइगर की वाइफ टाइग्रेस फीमेल, बस ये चीज हमें ध्यान में रखना है। किंग मेल, क्वीन फीमेल, ठीक है मेल फीमेल पता चलेगा कौन मेल है कौन फीमेल। जो बॉय है वो मेल है, फादर मेल, मदर फीमेल, तो मेल फीमेल ये है, इसको याद कर लीजिए और इस पहले याद करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है। ठीक है चलिए बात होती है लेकिन साइकिल और गाड़ी वही नहीं जा पा रहे थे, बाकी सब निकल जा रहे थे। हाँ। ये तो गंदी बात है लेकिन साइकिल भी जा रहे थे बस इतने लोग नहीं। तो आपने बोला नहीं उनको कि ये तो गंदी बात होती है, रेलवे ढाला गिरा तो नहीं जाना चाहिए। हाँ। ये तो आपकी जिम्मेदारी है बोलना, उनको समझाना।